वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 13, स्मार्ट चार्ट्स। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। ड्रॉ टैली मार्क्स एज पर एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, हमें एक टेबल दिया हुआ है, कुछ नंबर्स दिए हैं, हमें क्या करना है, टैली मार्क्स ड्रॉ करना है। अब टैली मार्क्स होते क्या है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको ऐसी कुछ लाइन दिख रही है, इन्हें ही टैली मार्क्स कहते हैं। देखो हमें कितने टैली मार्क्स ड्रॉ करने हैं, 7 टैली मार्क्स ड्रॉ करने हैं, लेकिन किस तरीके से करने हैं। देखो 7 करना है तो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से हमें नहीं करने हैं। हमें कैसे टैली मार्क्स ड्रॉ करने हैं, 1 2 3 4 5, फिफ्थ टैली मार्क जो है वो हमें कैसे डालना है, इस तरीके से डालना है, ऐसे भी नहीं, इस तरीके से, ये होकर 5 6 7। ठीक है, तो इस तरीके से 7 टैली मार्क्स ड्रॉ हो गए। इसी तरीके से हमें बाकी के भी टैली मार्क्स ड्रॉ करने हैं। सो फर्स्ट हमें दिया है 8 टैली मार्क्स ड्रॉ करने हैं। लेट स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गए 8 टैली मार्क्स। नेक्स्ट नंबर 2, 11 टैली मार्क्स ड्रॉ करने हैं। लेट स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, हो गए 11 टैली मार्क्स। नेक्स्ट है नंबर 3, 10 टैली मार्क्स ड्रॉ करने हैं। लेट स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टैली मार्क्स हो गए। नेक्स्ट हमें करना है नंबर 4, 13 टैली मार्क्स ड्रॉ करने हैं। चलो 13 टैली मार्क्स बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हो गए 13 टैली मार्क्स। नेक्स्ट है नंबर 5, 18, यहाँ पे हमें 18 टैली मार्क्स ड्रॉ करने हैं। लेट स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हो गए 18 टैली मार्क्स। नेक्स्ट है नंबर 6, 15, यहाँ पे हमें 15 टैली मार्क्स ड्रॉ करने हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हो गए 15। नेक्स्ट है नंबर 7, यहाँ पे हमें 21 टैली मार्क्स ड्रॉ करने हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and 21, हो गए 21 टैली मार्क्स। नेक्स्ट हमें करना है नंबर 8, 26, यहाँ पे हमें 26 टैली मार्क्स करने हैं। लेट्स स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 and 26, हो गए 26 टैली मार्क्स। नेक्स्ट है नंबर 9, 25, यहाँ पे हमें 25 टैली मार्क्स ड्रॉ करने हैं। लेट्स स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, हो गए 25। नेक्स्ट हमें करना है नंबर 10, 30 टैली मार्क्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, हो गए 30 टैली मार्क्स। नेक्स्ट हमें करना है 11 32, यहाँ पे हमें 32 टैली मार्क्स करने हैं। लेट्स स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, हो गए 32 टेली मार्क्स। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, राइट द नंबर्स ऑफ टैली मार्क्स एज पर एग्जाम्पल। यहाँ पे हमें टैली मार्क्स दिए हैं, उन्हें हमें काउंट करके बॉक्स में लिखना है। एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल देखते हैं। चलो टैली मार्क्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32,
सिक्स सेवन एट नाइन, टोटल कितने टैली मार्क्स हैं? 9 टैली मार्क्स है, तो हमें यहाँ लिख देना है 9। इसी तरीके से हम बाकी के भी टैली मार्क्स काउंट करेंगे और गिवन बॉक्सेस में लिख देंगे। सो लेट्स बिगिन विथ नंबर 1, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे है 4 टैली मार्क्स, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। देन नंबर 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे है 6 टैली मार्क्स। देन नंबर 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पे है 12 टैली मार्क्स, तो हम यहाँ लिख देंगे 12। देन नंबर 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ पे है 14 टैली मार्क्स। देन नंबर 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and 16, यहाँ पे है टोटल 16 टैली मार्क्स। देन नंबर 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यहाँ पे है टोटल 17 टैली मार्क्स। देन नंबर 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यहाँ पे है टोटल 19 टैली मार्क्स। देन नंबर 8, अब यहाँ काउंट करेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देन 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यहाँ पे है टोटल 20 टैली मार्क्स, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 20। देन नंबर 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 30, 34, यहाँ पे है टोटल 34 टैली मार्क्स। देन नंबर 10, देखो ये पूरा सेट होता है 5 का, तो अब हम डायरेक्टली काउंट करेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, यहाँ पे है 28 टैली मार्क्स। यहाँ पे भी इसी तरीके से काउंट करेंगे हम 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31, 32, 33, यहाँ है टोटल 33 टैली मार्क्स। ओके, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है ख़त्म। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ फ्लावर्स विद डिफरेंट कलर्स इन अ गार्डन आर गिवन बिलो, ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बेस्ड ऑन इट, रिप्रेजेंट देम ऑन अ चार्ट एंड राइट द आंसर टू द क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या दिया है, गार्डन के अंदर कौन से कलर्स के कितने फ्लावर्स है वो इन्फॉर्मेशन हमें दी है। उस इन्फॉर्मेशन को हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यानी कि जो टेबल दिया है उसमें हमें एस टेली मार्क्स की तरह रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, और हमें एक चार्ट भी प्रिपेयर करना है और जो क्वेश्चन दिए उन्हें हमें आंसर करना है, ठीक है। वन बाय वन हम सारी चीज़ें करेंगे। फर्स्ट तो देखते हैं हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी है। देखो गार्डन के अंदर येलो कितने फ्लावर्स हैं, टोटल 15 येलो फ्लावर्स हैं। रेड फ्लावर्स कितने हैं, 8। ब्लू फ्लावर्स कितने हैं, 7। ऑरेंज फ्लावर्स कितने हैं, 6। पर्पल फ्लावर्स कितने हैं, 11। वाइट फ्लावर्स कितने हैं, 9। अब इसी इन्फॉर्मेशन को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में लिखेंगे। ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। यहाँ पे हमें दिया है देखो कलर ऑफ द फ्लावर्स, यहाँ पे हमें बनाने हैं टैली मार्क्स, ठीक है। क्या बनाने हैं हमें, यहाँ पे बनाने हैं हमें टैली मार्क्स और यहाँ पे लिखना है टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स। फर्स्ट है येलो, येलो फ्लावर्स कितने हैं, 15। तो देखो यहाँ पे 15 टैली मार्क्स बनाए, देखो 5, 10, 15, यहाँ पे लिख दिया है 15। रेड फ्लावर्स कितने हैं, 8। सो देखो 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8 टैली मार्क्स बना दिए, यहाँ पे लिख दिया 8। नेक्स्ट हमें करना है ब्लू, ब्लू कितने फ्लावर्स है, 7 टैली मार्क्स बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हो गए 7 टैली मार्क्स, यहाँ पे हमें लिख देना है 7। देन नंबर 4 ऑरेंज, अब ऑरेंज फ्लावर्स कितने हैं, देखो ऑरेंज फ्लावर्स हैं 6 टैली मार्क्स बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ लिख देंगे टोटल 6 ऑरेंज फ्लावर्स हैं। देन नंबर 5 पर्पल, पर्पल फ्लावर्स हैं
11, यहाँ 11 टैली मार्क्स बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11, यहाँ पे लिख देंगे टोटल 11 टैली मार्क्स। ओके, देन नंबर 6 है वाइट, वाइट फ्लावर्स कितने हैं, वाइट फ्लावर्स हैं 9, 9 टैली मार्क्स बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ लिख देंगे 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे आपको ब्लैंक स्पेस दी गई है, ठीक है, इसे कहते हैं एक्स एक्सिस और इसे कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे हमें बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें स्केल दिया हुआ है, यानी कि यहाँ नंबर ऑफ़ फ्लावर्स दिए हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। ठीक है, अब हमें देखो येलो के लिए ऑलरेडी बार ड्रॉ करके दिया है, येलो फ्लावर्स कितने हैं, येलो फ्लावर्स हैं 15, तो हमें बार कहाँ तक ड्रॉ करना है, 15 तक ड्रॉ करना है। ठीक है, येलो के लिए 15 बना दिया। देन रेड, रेड फ्लावर्स कितने हैं, 8, तो रेड को बनाना है 8 तक। ठीक है, अब 8 कहाँ आएगा, 5 और 10 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, तो रेड के लिए यहाँ पे बना दिया 8। देन ब्लू, ब्लू कितने फ्लावर्स हैं, 7, तो 7 भी कहाँ आएगा, 5 टू 10 के बीच में और 8 के नीचे। ठीक है, तो ब्लू को बना दिया यहाँ तक, ब्लू हो गए 7 फ्लावर्स। देन ऑरेंज, ऑरेंज है टोटल 6 फ्लावर्स, 6 भी आएगा 5 टू 10 के बीच में और 7 के नीचे आएगा। ठीक है, तो ऑरेंज को भी यहाँ तक बना दिया, थोड़ा 7 के नीचे से बना देना है और 5 के ऊपर से। ठीक है, ये हो गया ऑरेंज 6 फ्लावर्स। देन पर्पल, पर्पल कितने हैं, पर्पल है 11, तो 11 जाएगा 10 से ऊपर। ठीक है, तो 10 से थोड़ा ऊपर हम बना देंगे पर्पल का बार। देन वाइट, वाइट है टोटल 9, तो वो 10 से थोड़ा सा नीचे आएगा, तो 10 से थोड़ा सा नीचे हम बना देंगे वाइट, ये हो गया वाइट का बार। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चार्ट कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्लावर्स ऑफ विच कलर आर द मोस्ट इन नंबर, कौन से फ्लावर सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, टेबल में चेक करो कौन से फ्लावर सबसे ज़्यादा है, 15 येलो फ्लावर्स, सो आंसर इज येलो। हाउ मैनी येलो फ्लावर्स कितने हैं, टोटल येलो फ्लावर्स हैं 15, तो यहाँ लिख देंगे हम 15। देन नंबर 2, फ्लावर्स ऑफ विच कलर आर द लीस्ट इन नंबर, कौन से फ्लावर सबसे कम है। देखो यहाँ पे टेबल में चेक करो, सबसे कम है 6 ऑरेंज फ्लावर्स, तो यहाँ हम लिखेंगे ऑरेंज। हाउ मेनी यानी कितने फ्लावर्स है ऑरेंज, ऑरेंज है टोटल 6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6। नाउ नंबर 3, नंबर 3 इज हाउ मेनी फ्लावर्स ऑफ रेड कलर आर देयर, रेड कलर के कितने फ्लावर्स हैं, चार्ट में चेक करो, रेड कलर के हैं टोटल 8 फ्लावर्स, तो हम यहाँ लिख देंगे 8। देन हमें पूछा है हाउ मेनी फ्लावर्स ऑफ पर्पल कलर आर देयर, पर्पल कलर के कितने फ्लावर्स हैं, पर्पल कलर के हैं 11 फ्लावर्स, तो हम यहाँ लिख देंगे 11। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज हाउ मेनी फ्लावर्स ऑफ ब्लू कलर एंड वाइट कलर आर देयर ऑल टुगेदर, हमें पूछा है कि ब्लू और वाइट कलर के टोटल कितने फ्लावर्स हैं। ठीक है, तो देखो ब्लू कलर के कितने फ्लावर्स हैं, ब्लू कलर के हैं टोटल 7 फ्लावर्स, वाइट कलर के कितने फ्लावर्स हैं, 9 फ्लावर्स। ओके, सो 7 + 9 = 16, यानी टोटल ब्लू और वाइट फ्लावर्स हैं 16। देन नंबर 6, नंबर 6 है हाउ मेनी लेस आर द ऑरेंज फ्लावर्स देन द पर्पल फ्लावर्स, ऑरेंज फ्लावर्स पर्पल फ्लावर्स से कितने कम हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा पर्पल फ्लावर्स कितने हैं, तो पर्पल फ्लावर्स कितने हैं 11, ऑरेंज फ्लावर्स कितने हैं, ऑरेंज फ्लावर्स हैं 6, सो 11 - 6 = 5। ठीक है, कितने कम है, 5 कम है। देन नंबर 8, हाउ मेनी मोर आर येलो फ्लावर्स देन द वाइट फ्लावर्स, येलो फ्लावर्स वाइट फ्लावर्स से कितने ज़्यादा हैं। तो देखो येलो फ्लावर्स कितने हैं, देखो हमने यहाँ लिखा था येलो कितने हैं 50, ठीक है, और वाइट फ्लावर्स कितने हैं, देखो वाइट फ्लावर्स हैं 9, अब कितने ज़्यादा हैं, तो 15 - 9 = 6, यानी येलो फ्लावर्स 6 ज़्यादा है कंपेयर टू वाइट फ्लावर्स। देन नंबर 8, नंबर 8 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेड फ्लावर्स एंड ब्लू फ्लावर्स, रेड फ्लावर और ब्लू फ्लावर्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो रेड फ्लावर्स कितने हैं, रेड फ्लावर्स हैं 8, ब्लू फ्लावर्स हैं 7, तो कितना डिफरेंस है, 8 - 7 = 1, यही चीज़ हमें आंसर में लिखनी है। देखो डिफरेंस कितना है, 8 - 7 = 1, 1 का डिफरेंस है। देन नेक्स्ट नंबर 9,
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फ्लावर विद द मोस्ट इन नंबर एंड द फ्लावर विद द लीस्ट इन नंबर, यानी सबसे ज़्यादा जो फ्लावर्स हैं और सबसे कम जो फ्लावर्स हैं उसमें कितना डिफरेंस है। तो देखो, हमने यहाँ लिखा था नंबर वन कौन सा फ्लावर सबसे ज़्यादा है, येल्लो 15। नंबर टू में हमने लिखा था कौन सा फ्लावर सबसे लीस्ट इन नंबर है, ऑरेंज 6। अब दोनों में डिफरेंस बताना है, तो 15 माइनस 6 करेंगे, 15 माइनस 6 9, ठीक है, 9 का डिफरेंस है। देन हमें पूछा है नंबर 10, द टोटल नंबर ऑफ विश टू फ्लावर्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ येल्लो फ्लावर्स, यानी कि कौन से दो फ्लावर्स अगर हम साथ में लें तो वो येल्लो फ्लावर्स के इक्वल हो जाएंगे। अब येल्लो फ्लावर्स कितने हैं, 15, तो कौन से दो फ्लावर्स लेंगे कि वो येल्लो फ्लावर के इक्वल हो जाए। तो देखो, रेड और ब्लू, 8 प्लस 7 करेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है, 8 प्लस 7 कर दो 15 हो जाएगा, तो रेड और ब्लू। और एक और फ्लावर हम ले सकते हैं, वो है ऑरेंज एंड वाइट। देखो, 6 प्लस 9 को भी ऐड कर देंगे तो वो 15 हो जाएगा, ठीक है, तो रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो येलो के बराबर हो जाएंगे, ऑरेंज और वाइट को मिलाएंगे तो येलो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम आंसर में लिख देंगे ऑरेंज फ्लावर एंड वाइट फ्लावर और रेड फ्लावर और ब्लू फ्लावर, ओके। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है खत्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट क्वेरी सजेशन, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।